साथियों सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार गिलोद, नोबल हाईवे से बीकानेर राजस्थान। और आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन और कब्ज पे। देखा जाता है कि अभी के समय के अनुसार कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खाना पीना बहुत परिवर्तित हो चुका है। कहने का तात्पर्य है कि सही चीज़ है ही नहीं है। अगर हम बात करेंगे खाने के अंदर, तो हम कैसे इससे घरेलू उपायों से कैसे निजात पा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली औषध के अलावा भी अगर हम रोगी को घरेलू उपाय बताते हैं ना, तो रोगी को बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली उससे पता रहता है कि चलो ये चीज़ आगे भी भविष्य में मुझे कब्ज रहेगी तो मैं ये चीज़ ले लूँगा। हम सुबह के से स्टार्ट करते हैं। सुबह उठने से गर्म पानी पीजिए, 0.1। सुबह उठते गर्म पानी पियोगे तो आपका शरीर में जो आम बना हुआ उसका पाचन होगा और धीरे धीरे कब्ज की समस्या दूर होगी, अग्निमान दूर होगा, मतलब जो अपनी जठराग्नि है वो प्रबल होगी। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर, तो आपको क्या कि हरी सब्जियाँ खाइए, ठीक है, हरी सब्जियाँ खाओगे तो भी सही रहेगा। सूप पीजिए, सूप पी सकते हो, ठीक है। सूप बनाने के सारी सब्जियां होती हैं उनको उबाला, सबसे पहले उबाला, फिर मिक्सी में ग्राइंड किया, फिर हल्का सा जो टोपिया होता है उसमें हल्का सा घृत के अंदर, उसमें फिर हींग डाल के और लहसुन डाल के फ्राई किया और सूप बन गया। सूप पी सकते हो, ठीक है। तनाव मत लीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव रहोगे तो भी आपको कब्ज की समस्या रहेगी, ठीक है। अनावश्यक रात को जागरण मत कीजिए, जल्दी सोइए, ठीक है। और साथ ही साथ में रात्रि को दूध पीना है, दूध पीना प्रारंभ कीजिए। दूध में हल्का सा एक चुटकी अपने सौंठ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी की बात करते हैं तो अगर हम समय पानी पूरा पीजिए, पानी भी पूरा पियोगे तो आपकी कब्ज की समस्या ही नहीं रहेगी। धन्यवाद। ज़्यादा समस्या रही तो डॉक्टर को दिखाइए।